ये देखो मैं नीला कलर करा रही हूँ अपने बालों में। अरे आप पागल हो गए? ये देखो, ये दिखाओ ना, नीला कलर है वो। ये देखो सांगे, हाँ ये देखो, दिखा आपको, कट कर दियो। फोकस हो जा भाई, ऐसे होता है यार कैमरे में। आप सबको पता है ना बाहर अभी इतनी ठंड हो रही है, और ठंड में है ना जल्दी उठने का किसी का भी मन नहीं करते, इसलिए आज है ना मैं भी थोड़ा लेट उठी हूँ। और ये देखो बाहर कितनी ठंड हो रखी है यार। आप सबको पता है मुझे ना इतना प्यारा सा सपना आया कि मैं मस्त है ना गाँव में उठी हूँ, एकदम मस्त इधर उधर घूमने जा रही हूँ। मुझे ना शहर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे मेरा मन ही नहीं लगता है शहर में, मुझे ना गांव में रहना पसंद है। क्योंकि मैं बचपन से गांव में ही रही हूँ ना, तो मुझे वो गांव की आदत हो गई है, मुझे गांव ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो मैं मिस कर रही हूँ अभी। और गाइस आप सबको पता है कि अभी है ना 2 महीने के बाद में मेरे बोर्ड से एग्जाम आने वाले हैं, और 2 महीने के बाद में हमारा चल रहा है गांव जाने का, लेकिन तब बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, तो मेरा ऐसे मन कर रहा है कि मुझे तब गांव नहीं जाना है गर्मी में, मुझे है ना अब भी गांव जाने का मन कर रहा है, क्योंकि अभी 2 महीने है ना, तो इस 8-10 दिन में हम गांव जाके आ सकते हैं। क्या कहते हो आप सब लोग, मुझे गाँव जाना चाहिए कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ यार, मुझे ऐसे मन कर रहा है कि मैं अब भी गाँव चली जाऊँ। चलो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है ना हम शाम को बात करेंगे पापा से, अभी है ना मुझे जाना है मम्मी को लेके सैलून, क्योंकि यार जब से मम्मी को ऑपरेशन हुआ है ना तब से मम्मी ज़्यादा बाहर नहीं जाती, अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती है। मैं मतलब मम्मी को कितना बोलती हूँ कि आप खुद के ऊपर ध्यान दिया करो, हेयर कलर करो, ये करो वो करो, मैं कितना बोल बोल के थक गई, लेकिन मम्मी मानती ही नहीं है। तो आज मैं ज़बरदस्ती मम्मी को लेके जा रही हूँ, उनका पूरा लुक चेंज कर दूंगी, क्योंकि यार मुझे लगता है ना कि मेरे मम्मी ने एकदम अच्छा एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, इसीलिए आज मम्मी का है ना लुक चेंज करेंगे ताकि उनको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। और हाँ अभी मम्मी के साथ सैलून जा ही रही हूँ, तो मैं ना थोड़ा अपना भी हेयर कलर करा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। ये देखो कितने ख़राब हो गए यार मेरे बाल, मेरा है ना थोड़ा हेयर कट भी करा लेंगे। चल गाइस हेयर कट में ज़्यादा हेयर कट नहीं कराने वाले, एकदम थोड़ा सा हेयर कट कराने वाले, क्योंकि अगर पापा को पता चला ना तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। लेकिन यार हेयर कट थोड़ा सा ट्रिम करना ज़रूरी है ना, उसी से तो हेयर ग्रोथ होगी ना। तो देखो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने ना ये पिंक वाला टॉप पहना है बहुत दिनों के बाद में, कैसे लग रहा है बताओ, और ये स्कर्ट पहना हुआ है। चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। देखो मुझे ना एकदम मस्त ऐसे बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, जहाँ पे ना मैं बैठ के मेकअप कर सकूँ, तो मैं ना अपने नए घर में ये सब कुछ बनाने वाली हूँ। तो मैंने ना अभी पापा को कॉल किया था, पापा शायद ना अभी आने वाले घर पर, तो सैलून जाने से पहले ना एक बार पापा से ना हेयर ट्रिमिंग की परमिशन ले लेते हैं। मुझे पता है पापा ना ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी पूछ लूंगी एक बार पापा से। इग्नोर करना, एकदम चप्पू चप्पू लग रहे हैं ना अभी, वैसे भी हेयर ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, तो क्या फिर हेयर वॉश का क्या ही फायदा। अभी मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि हमको है ना ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। ऑफकोर्स यार मम्मी का भी मुझे है ना ट्रीटमेंट कराना है, और मेरे भी बालों का ट्रीटमेंट कराना है, तो सबसे पहले खाना खाते हैं। चलो ये देखो ये रहा मेरा आज का खाना, मैं ना सिंपली खाना खाती हूँ, ये रही सब्जी, दाल, रोटी, चावल। तो चावल है ना मैं रोज नहीं खाती, कभी कभार अगर मेरा मूड हो गया ना तो ही मैं चावल खाती हूँ, वरना तो मैं चावल नहीं खाती। तो हो गया है मेरा खाना, और मैंने आप सबसे कहा था ना कि पापा अभी आने वाले घर पर, तो पापा आ गए, एक बार पापा से पूछ लेते हैं, मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है, हेयर कट का कैसे पूछ सकती हूँ, लेकिन पापा कब आए आप? कहाँ जाने की तुम्हारी तैयारी हो रही है? सैलून बाल काटने को। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ट्रिम करने वाले हैं, और मम्मा का हेयर कलर कराना है मुझे, है ना गाइस? यार ठीक है कलर बिलर का ठीक है, उसके अपन बाल क्यों काटने वाली? तो ये स्प्लिटेंस हो गया, मैं हमेशा पापा को यही समझाती हूं, नीचे की हेयर डैमेज हो गए, एक बार देखो क्या हो गया उसमें। मेरे को हेयर कट कराना है।
मैं कराने वाली हूँ, ठीक है गाइस? मेरे को अगर बाल अच्छे लगे नहीं तो इधर है ना, मेरे से बात करना नहीं बिल्कुल। मैं हमेशा बोलते रहता है बाल कटाने के, नहीं तुम बस वही करते रहते, तुम निकलो जाओ तुम। नहीं अच्छे, एकदम छोटे छोटे एकदम ट्रिम करने वाले, बस इतने से अच्छे लगेंगे आपको। करूँ की नहीं इतना तो बताओ। मेरे से मत पूछो, तुमने डिसाइड कर लिया मेरे से पूछो ही मत, बिल्कुल निकलो। मैं क्या करूँ, मैं नहीं करा रही फिर हेयर ट्रिम, पप्पा ऐसे बोल रहे तो, और अगर पप्पा को मेरे हेयर अच्छे नहीं लगे तो क्या करूंगी फिर मैं। तो यार गाइस मेरे ना गुड डेज भी चल रहे हैं ना, तो कल है ना घर पे थोड़ा सा है ना किरकिरी चिड़चिड़ होती है ना, एकदम गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे गुस्सा आ गया था मेरे को, इसीलिए पप्पा भी है ना मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, हेयर कट करूँ कि ना करूँ। चलो वहीं पे चल के डिसाइड करते हैं। और गर्ल्स यार आप समझ सकते हो कि गुड डेज में कितनी चिड़चिड़ होती है, एकदम ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है यार, तो वो किसी ना किसी पे निकल ही जाता है, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन कल पप्पा पे निकल गया। चलो निकल रही हूँ अभी मैं, बाय पप्पा। नहीं नहीं कर रही हूँ हेयर कट। जिद कर रहा है, पीछे आएगा, अल्लाह का ही था, जिद करता ही है बच्चा। मैं ना मम्मी पे भी गुस्सा हो गई, ऐसे मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, मम्मी पे आदत नहीं है ना, मम्मी को सॉरी ना, ठीक है ना, सॉरी ना मम्मी। आपको पता है ना मम्मी गुड्डे से ऐसे चिड़चिड़ होती रहती है, तो आज जब मैंने मम्मी को बोला ना कि आपका हेयर कलर करना है चलो सलून, तो आज भी मम्मी ना ही बोल रही थी, बोल रही थी कि तेरा हेयर कलर कराना है, तेरा हेयर ट्रीटमेंट कराना है, तो मैं साथ में चलती हूँ बट मुझे कुछ नहीं कराना। तो मैंने जबरदस्ती मम्मी को लाया कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है मम्मी? ठीक है, आपको मेरी कसम अब तो करना ही पड़ेगा मम्मी को, क्योंकि मम्मी मुझे लगता है कि आप है ना एकदम परफेक्ट होने चाहिए। तो हम लोग आ गए सैलून में, चलो अभी मामा को टाटा बाय बाय बोलते, लेने के लिए आ जाना मामा, ठीक है बाय। हाँ तो अभी मुझे बताना है आपको कि मुझे है ना मेरे बालों पे हेयर कलर भी कराना है और बाल रिपेयर भी होने चाहिए मेरे। ओके, दोनों भी हो जाएगा आपका, बाल का स्ट्रक्चर भी जो है वो भी रिपेयर हो जाएगा, आपका कलर लास्टिंग जो है वो भी काफी अच्छे से हो जाएगा, और इसमें न्यू लुक देगी आपको, वेल टोन में कलर करेगी आपका। हाँ क्योंकि न्यू लुक आना चाहिए, न्यू लुक आएगा आपका। हाँ और हाँ ये मम्मी का भी है ना हेयर कलर कराना है, मम्मी का भी हेयर कलर हो जाएगा अच्छे से, हेयर कलर हो जाएगा मम्मी का भी, ड्यूल टोन में और अच्छा शेड देगी आपको। यस, और इनका है ना पूरा लुक ऐसे चेंज होना चाहिए, मम्मी पूरी चेंज कर देगी। यस मम्मी नहीं, फिर सिर्फ हेयर कलर चेंज करना है। तो अभी मैं आपको है ना मेरे हेयर का बिफोर लुक दिखाती हूँ और मम्मी के भी हेयर का बिफोर लुक दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो गाइस ये है मेरे हेयर का बिफोर लुक, आपने मेरा बिफोर का लुक तो देख लिया, आ जाओ अभी मैं आपको है ना मेरे मम्मी का हेयर्स का बिफोर का लुक दे देती हूँ। चलो अभी हम सबसे पहले है ना हेयर वॉश कर लेते हैं। सुनो तो मेरी बात, पता है पप्पा ने मुझे क्या बोला गाइस, आप लोग भी सुनो, पप्पा ने मुझे बोला कि हेयर कट कराना है करा लो, लेकिन अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। तो पप्पा को मैं देख लूंगी फिर, ठीक है मैं करा सकती हूँ ना, क्योंकि अभी ठंडी चल रही है ना, ठंडे पानी को मैं हाथ भी ना लगाऊं। बहुत ठंडा है पानी। मम्मी है ना हाईलाइट करा रही है, हो गया मेरा हेयर वॉश। मम्मी हाईलाइट अच्छी लगेंगे ना आप पर? हाँ अभी सभी बहुत अच्छे लगेंगे। चलो ठीक है, मम्मी के ऊपर हाईलाइट अच्छे लगेंगे। और मैंने ना इंस्टा पे पोल भी डाला है कि मुझे हेयर कट करना चाहिए कि नहीं, देखो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, सब लोग बोल रहे हैं यस करना चाहिए करना चाहिए, लुक चेंज हो जाएगा, तो ठीक है कर लेते हैं अभी हेयर कट। देखो मम्मी के हेयर हाईलाइट कर रहे हैं और मम्मी की खुशी देखो, अच्छे लगेंगे बट मम्मी का। ये देखो गाइस ये रहा मेरा न्यू लुक। यार अभी है ना सबसे पहले मेरा हेयर ट्रीटमेंट होगा, फिर उसके बाद में हेयर कलर होगा, तो हमें है ना कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। रेडी हो आप 4 से 5 घंटे बैठने के लिए? नहीं नहीं, देखो आपको भी टाइम लगेगा। देखो मेरा हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और सब तरफ से मेरे बाल कैसे खींचे जा रहे हैं। चलो अब बैठे बैठे मुझे क्या काम है, मैं ना पप्पा को वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ कि मैं ना अपने बालों में नीला कलर करा रही हूँ। प्रैंक करते पप्पा के साथ। हेलो, हाँ पप्पा, हाँ अपना चेहरा दिखाओ ना, चेहरा दिखाओ, हाँ दिखाओ, कहाँ हो आप?
ये देखो मैं नीला कलर करा रही हूँ अपने बालों में। अरे आप पागल हो गए? ये देखो आई दिखाओ ना नीला कलर है वो, ये देखो सांगे। हाँ ये देखो दिखा आपको, कट कर दिया। गए बहुत डांट पड़ने वाली है मेरे को, कट कर दिया पप्पा ने कॉल। कल राहुल से नीला कलर करते हैं। पापा के साथ प्रैंक किया मैंने, पापा ने फोन काट दिया। क्या बोले? कुछ नहीं बोले, पागल हो गई है क्या तू नीला कलर कराने के लिए? अच्छा दिखेगा पर। अच्छा दिखेगा मम्मी, कुछ भी। फोन नहीं उठा रहे पप्पा। क्या हो गया पप्पा, कट क्यों किया आपने कॉल? हां मैं अभी मेरे काम पे जा रहा था, मैं अभी मैं उधर ही आता रहूंगा। सच में वो नीले पीले बाल कभी कराने में बाल काटा दूंगा, मैं बोल दे रहा। हाँ जब आप देखो नीला कलर करा रही हूँ मैं, अच्छा लगेगा मम्मी बोल रही है। काला तो नॉर्मल है ना पापा, नीला थोड़ा यूनिक लगेगा। नीला कलर करा देगा कभी? आओ आप देखने। आ रहा ना, उधर ही आ रहा हूँ। पापा सच में आ रहे इधर, ठीक है आने दो पापा को, फिर देखेंगे। सच में सीरियसली फिर कौन सा कलर कर रहे? नीला है क्या? हाँ सच में, ये देखो ना ये दिख रहा है। हाँ मम्मी ने बोला नीला कलर कराते नीला नीला नहीं करने का। पापा प्रैंक हो गया आपके साथ। आप इतने दूर से आ गए मेरे को देखने, हम कौन सा कलर कर रहे हैं सीरियसली। तो एक काम करो आप भी थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी ट्रिम कर लो, हेयर ट्रिम कर लो, घूमो बाल दिखाओ। हाँ ये देखो पापा की बिफोर है। फनी लग रही हूँ क्या मैं? अब लग रही हूँ तो ठीक है, इसको ऐसे ही 45 मिनट्स रखना है, फिर उसके बाद में हेयर वॉश होगा, हेयर कलर होगा, बहुत टाइम लगने वाला है। और मम्मी भी देखो कितनी क्यूट लग रही है। चलो एक बार पापा को देख के आते हैं, पापा क्या कर रहे हैं। पापा क्या हो रहा? हेयर वॉश हो रहा और क्या होना, इरिटेट हो रहा हूँ मुझे पता है, सच्ची सच्ची। फाइनली मेरे बालों का छत्ता निकाल दिया, अभी थोड़ा बालों में सांस आ रही है। बताओ अभी क्या होने वाला है? अभी आयन करेंगे, आयन करने के बाद इसका टेम्परेचर कूल होने के बाद इसका वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद मास्क लगा के 15 टू 20 मिनट्स रखेंगे, फिर उसके बाद ब्लो ड्राई करके फिर सबको घर पे जाने देंगे। ठीक है चलेगा। बाप रे कितना सारा प्रोसेस है, और ये सब प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? 4 to 5 hours। इनका हेयर स्पा और बियर्ड स्पा चालू है, बियर्डो की ट्रीटमेंट है वो, बियर्ड स्पा बोलते हैं उसको। चलो अभी मैं आपको है ना मेरे पापा का लुक दिखाती हूँ कि पापा कैसे लग रहे हैं। मुझे तो एकदम हैंडसम लग रहे हैं पापा, पहले से और ज्यादा। क्योंकि कब से हमने ना कुछ भी नहीं खाया था, तो अभी भूख लग रही थी। थोड़ी देर में आपको है ना मेरी मम्मी का हेल्थ का फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। तो फाइनली अभी कलरिंग स्टार्ट हो गई है, देखते हैं आफ्टर लुक कैसे आता है। तो अभी है ना हेयर कलर जो है वो लगा लिया, और इसको भी 1 घंटा ऐसे ही रखना है। हम पता है हम है ना 12 बजे आए थे, अभी है ना शाम के 7 बज रहे हैं। वीडियो में तो भी एकदम कट कट एकदम फास्ट फास्ट मैं आप सबको
खा रही हूँ, लेकिन ऐसे हम जब बैठे हैं ना तो बहुत बोर हो रहा है। चलो अभी लास्ट स्टेप, बस हेयर वॉश करना है, फिर उसके बाद में ब्लो ड्राई ना। यस बॉस। देखो मेरा हेयर वॉश ब्लो ड्राई हो गया, अभी बस मुझे ना हेयर कट कराना है। अभी है ना मम्मी का हेयर कट चल रहा है, देखो देखो ये सारे डैमेज हेयर से। मम्मी का हेयर कट हो गया, मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ मम्मी का। पापा को पसंद आएगा ना? पर यस पापा को पसंद आएगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। अभी पापा ही आने वाले अपने को लेने के लिए। अभी सबसे पहले मेरा हेयर कट करते, लास्ट टाइम जैसे हमने हेयर कट किया था ना वैसे ही करना है। ज्यादा हेयर कट मत करना, पापा बहुत डांटेंगे, तो परमिशन नहीं दी है उन्होंने मुझे। बिल्कुल भाई, ज्यादा हेयर कट करने वाला भी नहीं, थोड़े थोड़े ही बाल कट करने वाला हूं, मुझे मालूम है। पापा का खौफ सबको पता है कैसा है, पूरे स्प्लिटन्स आए हुए। और क्या करना चाहिए मालूम है क्या, हर तीन महीने में, चार महीने में, तीन महीने में तो मिनिमम थोड़ा ट्रिमिंग करना ही चाहिए। वो ट्रिमिंग अगर नहीं करेंगे ना तो आपके हेयर की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होती है। वो खाले जितने डैमेज थे उतने ही निकाले मैंने, मैंने एक्स्ट्रा हेयर कट ही नहीं किए। मेरे को ऐसे ही बैठने के लिए बोला है क्योंकि है ना अभी बाल मेरे सेट करने वाले, हेयर कट हो गया और हमको है ना पापा ही लेने के लिए आ रहे हैं, तो मेरे को तो और डर लग रहा है। मेरे को है ना अपने बाल ऐसे थोड़े से ऐसे छुपा के रखने पड़ेंगे, रात में ऐसे कुछ इतना दिखेगा भी नहीं हेयर कट पापा को। तो अभी मेरा हेयर कट हो गया है, मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, शॉर्ट हेयर ट्रीटमेंट एंड कलर को 10,000 लगे। चलो अभी आ गए पापा लेने के लिए। मैं ना पापा को अपना फाइनल लुक घर जाकर ही दिखाती हूँ क्योंकि गाड़ी में अभी अंधेरा होगा तो इतना कुछ दिखेगा नहीं पापा को। लाओ दो मास्क, तो घर जाकर पापा को शॉक देंगे। एक तो है ना मैं पीटने वाली हूँ या फिर मेरे को है ना तारीफ मिलने वाली है पापा की तरफ से, देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है तब तक कॉमेंट्स में बता। चलो भाई आ गए पापा, अब क्या करूँ मैं, बैठ जाओ बाद में बात करती हूँ। अब घर जाके क्या हंगामा हुआ आपको ये नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। और मैंने पापा के मोबाइल में कुछ वीडियोस देखे और मैं मर्सिडीज कार देख के शॉक ही हो गई। कल पापा से पूछते हैं आखिर ये मर्सिडीज का क्या सीन है। आपको क्या लगता है ये मर्सिडीज का क्या चक्कर है, कमेंट्स में बताओ। एंड जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय। ट्रीटमेंट करना है आओ सैलून 360 में।